नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, घर में सोफा है तो जरूर देखे वरना धन हानि नहीं छोड़ेगी पीछा। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में सोफा सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सोफे के रखरखाव और उसकी स्थिति को लेकर भी वास्तुशास्त्र में बताई गई बातों का पालन करना चाहिए। ड्राइंग रूम के सबसे महत्वपूर्ण फर्नीचर सोफे को रखने में की गई गलतियां खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं। सोफा रखने में की गई गलतियां घर की सुख शांति से लेकर आर्थिक स्थिति तक पर बुरा असर डालती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के मुताबिक सोफा रखने की दिशा चुनना चाहिए। घर के मुख्य द्वार की दिशा के आधार पर रखें सोफा। यदि घर का मेन गेट या मुख्य द्वार उत्तर दिशा में खुलता हो तो घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में सोफा लगाना शुभ फल देता है। यदि घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में खुले तो सोफा नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में रखना अच्छा होता है। यह जगह पृथ्वी तत्व की होती है और इसके स्वामी राहु केतु होते हैं। इस जगह पर भारी और ऊंचा सामान रखना अच्छा होता है, इससे राहु केतु संतुलित रहते हैं। ओवल शेप का सोफा रखते समय रखें विशेष ध्यान। आजकल घरों में ओवल शेप और यू शेप के सोफे रखने का चलन तेजी से बढ़ा है, जबकि इनकी दिशा और स्थिति का चुनाव बहुत देखभाल करके करना चाहिए। यदि ओवल शेप सोफा रख रहे हो तो इसे इस तरह रखें कि इसका एक हिस्सा ड्राइंग रूम की दक्षिण दिशा की ओर हो और दूसरा हिस्सा पश्चिम दिशा की ओर हो, यानी कि सोफे पर बैठते समय व्यक्ति का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। वहीं यू शेप का सोफा रखते ध्यान रखें कि उसका सबसे बड़ा वाला हिस्सा ड्राइंग रूम के दक्षिण दिशा में लगाएं, वहीं बाकी दो हिस्से पश्चिम और उत्तर दिशा में रखें। सोफे के मामले में न करें ये गलतियां। सोफा सेट की दिशा के अलावा कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। सोफे के ऊपर ही नहीं, उसके नीचे से भी सफाई करें। सोफा इस तरह रखें कि उस तक पहुंचने में बीच में कोई रुकावट न हो, ना ही सोफे पर बैठते समय उसमें से आवाज न आए। सोफे पर कभी भी कपड़ों या अन्य चीजों का ढेर न लगा रहने दें। सोफा हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित ही रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।